गंगा एक नदी नहीं, ये एक सभ्यता है, जीवन का दर्शन है। तभी तो हम रग रग में गंगा की हर यात्रा में कुछ ना कुछ ऐसा खोज लाते हैं जो अद्भुत है। जैसे कासगंज में अंग्रेजों के समय का शान से खड़ा ये उत्कृष्ट पुल। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही किया जो छांव छांव चली। नहीं, ये मैंने नहीं लिखा है, ये किसी महान लेखक ने लिखा है। मैंने तो सिर्फ उधार लिया है अपने मौजूदा ख्याल व्यक्त करने के लिए। तो चलते चलते मैं पहुंच गया हूं आगरा के पास बसे कासगंज शहर में। और मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि यहां गंगा की सहायक नदी काली बहती है। नहीं, सिर्फ यही कारण नहीं है यहाँ होने का, और भी कारण है जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। लेकिन मैं अपने एपिसोड की शुरुआत कर रहा हूँ कासगंज के इस ऐतिहासिक नदराई ब्रिज से, जिसे झाल पुल भी कहते हैं। लगभग 125 साल पुराना ये ब्रिज आज भी खड़ा है। आप जानते हैं इसे आर्किटेक्चरल मार्वल भी कहते हैं, क्योंकि इस पुल के नीचे से अगर काली नदी बहती है तो इस पुल के ऊपर से ये गंग नहर बहती है। अब अक्सर पुलों का निर्माण इंसानों के यातायात के लिए किया जाता है, लेकिन इस पुल का निर्माण पानी के यातायात के लिए किया गया। तो चलिए इस वास्तुकला के अजूबे को करीब से देखते हैं। आगे देखूंगा कैसे बहती है गंगा नहर काली नदी के ऊपर, एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना कासगंज का नदराई ब्रिज। जाऊंगा एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल जहां 4000 साल पुरानी नगरी के अवशेष मिले हैं। होंगे दर्शन सोरो सुकर तीर्थ स्थान के, जहां कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। देखूंगा नमामि गंगे और कासगंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा वृक्षारोपण का एक दिलचस्प अभियान। गंगा किनारे जमेगी महफिल ठुमरी के साथ। पहुंचूंगा भारत की सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिदों में से एक, बदायूं की जामा मस्जिद पर। जाऊंगा शकील मंजिल, जो कभी घर था मशहूर शायर शकील बदायूं का। देखूंगा गंगा किनारे की सिरकी से बनी अनोखी चित्रकला और उठाऊंगा आनंद भव्य गंगा आरती का। कासगंज का गहना नदराई पुल, जिसे झाल पुल भी कहते हैं। 1885 से 1889 के बीच बना यह विशालकाय पुल उस समय की इंजीनियरिंग का अनुपम दस्तावेज है। 346 मीटर लंबे इस पुल का कमाल यह है कि यहां गंगा किनाल काली नदी से लगभग 80 फीट ऊपर बहती है। ये है उस पुल के नीचे का पार्ट। जरा सोचिए, इसके ऊपर से वो इतनी बड़ी नहर बह रही है। ये सपना जैसे ही तो है कि मैं गंगा नदी की धारा के नीचे से आराम से जा रहा हूं। क्या बात है दोस्त, क्या हेयर स्टाइल है यार, कहां से कटवाया? कासगंज से कटवाया। कासगंज में काटते हैं बाल? हां। क्या कहते हैं स्टाइल को? हेड स्टाइल। हेड स्टाइल, क्या बात है, बड़ा। गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित अतरंजी खेड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल की खोज 1861-1862 में अलेक्जेंडर कनिघम ने की थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी में अतरंजी का उल्लेख भी किया है। क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहा हूं? अजी खजाना ढूंढ रहा हूं, यकीन नहीं हो रहा। हाँ, कैसे यकीन होगा जब तक कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसी जमीन के नीचे से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अनमोल खजाना गड़ा हुआ मिला था। जी हाँ, काली नदी के इस क्षेत्र में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 4000 साल पुराने पुरावशेष मिले थे, आर्टिफैक्ट्स। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को एक बहुत ही बहुमूल्य आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित कर दिया। अब मुझे यहाँ खजाना मिले या ना मिले, मैं तो इस ज़मीन पे खड़ा होकर और ये सोचकर कि इसके नीचे 4000 साल पुरानी एक नगरी है, वैसे ही अमीर महसूस कर रहा हूँ।
1960 के दशक में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आरसी गौर के निर्देशन में जब यहाँ खुदाई की गई तब इस प्राचीन नगरी के अवशेष यहाँ पाए गए और अब ये विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखे हुए हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध ने यहाँ के गृहस्थों को संबोधित किया था। बुद्ध मथुरा आए हुए थे और इधर ये राजा भी जो थे अग्निदत्त समय राजा थे वो भी वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर बुद्ध के वचन हो रहे थे, इन्हें बहुत ही सुंदर लगे तो इन्होंने निमंत्रण दिया कि भगवान मेरे यहाँ भी आए तो जनता को शुभ लाभ मिले, तो उनके बुलाने पर यहाँ पर आए। उससे बुद्ध को 4 महीना यहाँ काटे। वो शांति जिसे पाने के लिए इंसान दुनिया भर के जतन करता है, ऐसा कहते हैं कि इस बुद्ध भूमि पर आकर उसका अनुभव किया जा सकता है। ये यहीं के अवशेष हैं। हाँ। ये संग्रहालय बनना बहुत जरूरी है। हाँ, मांग की है जी, आपकी मांग पूरी होगी। हाँ। ये पत्थर कब का होगा? ये पत्थर पहले का है, अभी के नहीं, नया नहीं है जी। ये नदी में मिला था, फिर यहाँ गांव में आया, फिर गांव से यहाँ आ गया। बताइए कितने सदियों पुराना ये पत्थर है, बेशकीमती है, ऐसी चीजों की कीमत नहीं होती है। बस ये हम लोग अपने नाम लिखना बंद कर दें तो, ये आपका नहीं है, ये विश्व का है। जब पीना हो अमृत को हवा की बूंदों से, जब चखना हो स्वाद धूप का, जब जीना हो पल पल झूम के, तब निकलो एक अविरल सफर। कहते हैं जीवन का सफर पंच तत्व से शुरू होकर पंच तत्व में विलीन होने की यात्रा है। आगरा से करीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोरो सुकर घाट कासगंज का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। हरिद्वार के हर की पौड़ी के बारे में सबने सुना है, सब जानते हैं, लेकिन कासगंज के पास सोरों में भी एक हर की पौड़ी है जिसकी पुराणों में बहुत बड़ी मान्यता है। लाखों लोग हर साल यहाँ पर अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए आते हैं। अब इस जगह की क्यों इतनी मान्यता है ये मैं जानूंगा आगरा यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर से, जिन्होंने सोरों के ऊपर बहुत रिसर्च की है, बहुत शोध किया है। भगवान विष्णु का जो तृतीय अवतार है भगवान श्री वराह के रूप में, वो यहीं पर हुआ था। और जब पृथ्वी जल के अंदर थी, जलमग्न थी, उस पृथ्वी को जल के अंदर से निकाल कर इस गंगा का उदय किया। सबसे प्राचीन मान्यता पौराणिक अस्थि विसर्जन के लिए सोरों सुकर क्षेत्र है। पूरे देश भर से लाखों लाखों तीर्थयात्री अपने मृतक परिवारीजनों की अस्थियां लेकर सोरों सुकर क्षेत्र आते हैं और यहां तक कि नेपाल से भी यहां लोग आते हैं। यहां का जो वराह मंदिर है वो नेपाल नरेश ने ही बनवाया है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन अस्थियों का यहाँ पर 36 घंटे के अंदर जल में विलय हो जाता है, घुल जाती हैं 36 घंटे में। 36 घंटे के अंदर आप देखिए कई क्विंटल अस्थियाँ प्रतिदिन आती हैं। हाँ। अगर नहीं गल रही होती तो यहाँ पहाड़ हो जाता अस्थियों का। और ये इसलिए अद्भुत है क्योंकि भगवान वराह सशरीर यहाँ पर विलीन हुए हैं, तब से ये मान्यता है कि जो भी अस्थियाँ इसके अंदर डाली जाएंगी वो गल जाएंगी। तो आपने तो सोरों के ऊपर शोध किया है, लोगों ने इस तथ्य के ऊपर भी शोध किया होगा? बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रयोग किए, सरकार ने भी इसकी जांच कराई पानी की, इसके अंदर ऐसा क्या केमिकल हो सकता है जो इसको हड्डियों को गला सकता है जी। तो ऐसा कोई नहीं, सामान्य सा जल है जो गंगा से आता है, भागीरथी गंगा से आता है और दूसरी ओर निकल जाता है, रुका हुआ तो है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास, उनका जन्म यहाँ सोरों में हुआ था। रामचरितमानस रामायण के रचयिता स्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी की जन्मस्थली हमें भगवान विष्णु के उन सभी अवतारों को याद कराती है जो पुराणों के अनुसार उन्होंने पृथ्वी के उद्धार के लिए धारण किए थे। आगे है देखूंगा नमामि गंगे और कासगंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा एक बड़ी वृक्षारोपण की पहल को। गंगा की लहरों के साथ जमेगी सुरों की सरगम। इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई बदायूं की खूबसूरत जामा मस्जिद में करूंगा सजदा। खुद जलकर अगर आपको कोई ठंडी छांव दे तो वो या तो माँ बाप हो सकते हैं या फिर वृक्ष। इसीलिए अगर कोई ऐसी जगह दिख जाए जहाँ वृक्षों के लिए आस्था हो, प्यार हो और खुला जल हो, तो भले ही कुछ देर के लिए हो लेकिन मन भाव विभोर हो ही जाता है। हर शुरुआत एक विचार से होती है। विचार एक ऐसा बीज है जिसके ऊपर अगर कर्मों का पानी और खाद डाला जाए तो वो पेड़ बनकर फल देना शुरू कर देता है। अगर हम सोचें तो नमामि गंगे भी तो एक विचार ही है, एक सोच है। और आज उस सोच के साथ में बहुत सी संस्थाएं, बहुत से लोग जुड़ना शुरू हो गए। वो दिन अब दूर नहीं जब यही विचार एक पेड़ बनकर हमें फल देना शुरू कर देगा। अब कितनी शीघ्र हमें वो फल मिलेंगे ये निर्भर करेगा हमारे
मिले जुले कर्मदान पर ऐसे कुछ लोग हैं जो अपना कर्मदान इस समय दे रहे हैं, जैसे यहाँ कासगंज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग। पहले तो ये बता दीजिए कि क्या कारण था पेड़ लगाने का। गंगा नदी को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके किनारे पर ग्रीनरी हो। जी, पुराने समय में जो पौराणिक काल था उस समय गंगा के किनारे पुराने वन रहे हैं। जी, उसी परिकल्पना को लेकर हमने गंगा वन की स्थापना करी है। 2019 में 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती पर हम लोगों ने 1,01,000 पौधों का रोपण यहाँ कर दिया था। इसकी एक और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सोरो जो हमारा पौराणिक स्थल है उसके नज़दीक है, तो हमने इसे सेक्रेड फॉरेस्ट की तरह से डेवलप करने की कोशिश करी है। उसके लिए हमने यही सोचा कि अगर हम वनों को आस्था से जोड़ दें जी, तो लोग इसको अपने आप बचाने के लिए आगे आएंगे। यहाँ पर हमने एक हरी उपवन की स्थापना करी है। विष्णु जी का बहुत ही प्रिय फल है आंवला जी, तो हमने आंवला के यहाँ पर लगभग 4,000 पौधे लगाए हैं। जी, विष्णु जी का नहीं, मेरा भी सबसे प्रिय फल है आंवला। अच्छा, आंवले से भी एक आमदनी जो है गांव की जो महिलाएं हैं उनको हो जाए। जब उनको वन से फायदा होने लगेगा तो गांव के लोग ही इसकी रक्षा करेंगे। देखिए क्या कमाल कमाल के वृक्ष लगे। पीपल और बरगद छांव देते हैं, आंवला सेहत देता है, अशोक की छाल सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, उसे उबाल के पिए तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और बेल का मैं क्या कहूँ, गर्मियों के अंदर ये बेल आपको इतनी ठंडक देता है ना कि मैं मुंबई में भी बेल दिल्ली से और यूपी से और राजस्थान से मंगवाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ सर ये पेड़ बड़े हो जाए, मैं यहाँ कम से कम आंवला और बेल खाने से जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। 9 ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, उसी के अनुसार हमने यहाँ पे हर ग्रह का एक जो पौधा होता है पेड़ होता है जी, वो यहाँ पे हमने रोपित करा है। ज्योतिष में जो भी ग्रहों के प्रतिकूल असर हैं भगवान शिव ने कुछ वृक्षों को बताया। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए अगर आपके पास में पैसा नहीं है और आप फिर भी बिलीव करते हैं एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोलॉजी पे, आप आके अपने पेड़ पे पानी भी लगा सकते हैं। ये सर बड़ी कमाल की चीज़ आपने बताई, जानकारी मेरे लिए भी बहुत ही यूँ कहूँ मूल्यवान है। और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी यहाँ पे आने के बाद कि बहुत दिलचस्प तरीके का ईजाद किया है आपने लोगों को अपने साथ जोड़ने का। मैं सोचता हूँ कि अगर हम सब अपने जीवन में सिर्फ 5 वृक्षों को पाल पोस कर बड़ा कर दें तो पृथ्वी की कितनी काया पलट जाएगी। कासगंज से बदायूं लगभग 57 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लहरों की मध्यम स्वर लहरी और उस पर उस्तादों की सरगम, ये सुबह तो खुदाई ही है। बदायूं में गंगा के खूबसूरत कचला घाट पर एक नायाब शुरुआत। गंगा किनारे मोर श्याम। वाह उस्ताद वाह, अगर आपके दिन की शुरुआत गंगा किनारे कैसी ठुमरी के साथ में हो जाए तो आपकी आत्मा ठुमकने लगती है, और खासकर एक ऐसे उस्ताद के साथ, उस्ताद इफ्तिखार हुसैन खां साहब के साथ जो रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखते हैं, एक ऐसा घराना जिसे 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। उस्ताद एक बात बताएं मुझे कि हर रोज रियाज करते हैं? जी हाँ, डेली। किस उम्र से शुरू किया आपने? 8 साल की उम्र से। गायकी का जो आपका ये शौक है, जी जो आपका ये कला ने आपको इतना युवा बना रखा है। ये भी एक एक्सरसाइज है, रियाज करना भी है, जिससे सांस बढ़ती है। 12 कलाओं में सबसे ऊंची कला यही है। तो आप बदायूं की शान है अब आप? जी हाँ, बम्बई गया था 1964 में जी, मुझे सुना रफी साहब ने जी, उस वक्त में जी बोले आप मत जाइएगा, मैं आपको गवा लूंगा फिल्म में करने जी। लेकिन दाना पानी यहाँ का था जहाँ पैदा हुए थे जी, बदायूं में। बिल्कुल सही कहा आपने, देखी ना गंगा ने हमें कितने बड़े बड़े कलाकार भी दिए हैं जो गंगा के किनारे बैठ कर जिन्होंने अपना रियाज किए और जिन्होंने अपनी गायकी की है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ शांति मिलती है, सुकून मिलता है। अच्छा, आपके घराने ये जो रामपुर सहसवान घराना, इसकी इतनी इज्जत क्यों की जाती है? कौन कौन साहब निकले यहाँ से, और जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं? जी हाँ, चूँकि हमारे दादाजी दरबारी गायक, तो 8 साल की उम्र से पिताजी 30 साल तक रहे दरबार में, और पद्म भूषण मिला, पहला पद्म भूषण। और इसके अलावा बहुत अवार्ड और जन कितने अवार्ड हैं जी। कितनी पीढ़ियाँ होंगी जो इस 6 पीढ़ियाँ चलेंगी? 6 पीढ़ी गंगा किनारे
मिलूं शाम। बड़ा मुश्किल है, बहुत रियाज करना पड़ेगा। तो उस्ताद एक गुजारिश आपसे और है, एक और ठुमरी कोई सुना दें। चैन नहीं ब्रज के नंदलाल, तोरे बिना मोहे चैन नहीं। पैया परूं बिनती करूं, पैया परूं बिनती करूं, जार गले माला। तोरे बिना मोहे चैन, धानी धानी सानी ता धानी धानी दा पा 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 धोरे चैन, धोरे बिना मोहे चैन नहीं। ये आपकी कला को, आपके जज्बे को सलाम, उसको नमन। आप सिर्फ बधाइयों के नहीं हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के हैं। बड़ी है शान ऊंची मेरे खुदा तेरी, हर जर्रा तेरा, हर आरजू तेरी। इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई ये सफेद संगमरमर से बनी खूबसूरत मस्जिद बदायूं की शान है। माना जाता है कि यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद इसकी गिनती देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में आती है। बदायूं के उस्ताद इफ्तिखार हुसैन खान साहब अगर शास्त्रीय संगीत की दुनिया के बड़े फनकार हैं, तो बदायूं की ये 800 साल पुरानी ऐतिहासिक और आलीशान मस्जिद आस्था की दुनिया की बड़ी फनकार है। ना जाने कितने सर यहाँ रोज सजदे में झुकते हैं। हजारों फीट में फैली ये मस्जिद पर्शियन और अफगान वास्तुकला का शानदार नमूना है। इसकी ऊंची दीवारें और उन पर हुई नक्काशी आपके ध्यान से बच नहीं सकती। कहा जाता है कि यहाँ एक साथ 20,000 से भी ज्यादा लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। आगे है, पहुंचूंगा मशहूर शायर शकील बदायूं की गलियों में और याद करूंगा उनका दौरा। देखूंगा सिरकी की एक नायाब चित्रकला, बंधेगा समा गंगा घाट पर गंगा आरती के साथ। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। किससे पास जा रहा हूँ मैं, सोचिए, गेस कीजिए कि मैं आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ। एक और हिंट दूँ आपको, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आए। अभी भी नहीं समझे आप? एक आखिरी आपको हिंट और देता हूँ, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। अब तो समझ ही गए होंगे आप। अच्छा, शकील बदायूं एक ऐसा नाम है जो कि साहित्य की दुनिया में, संगीत की दुनिया में, शायरी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। शकील साहब तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका घर बदायूं में आज भी खड़ा है। जानते हैं, ऐसा कहते हैं कि जब शकील साहब, नौशाद साहब, रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने हाथ मिलाया एक दूसरे के साथ में, तब संगीत की दुनिया को एक नई दिशा मिल गई और हमें वो नगी मिली। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे। ये शकील बदायूं नहीं जी, ये मोहम्मद रफ़ी गाना गा रहे हैं। हाँ, ये जवानी का फोटो है। ये 1945 का है, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे जी। उसके बाद 44 के बाद में ये पहुंच गए दिल्ली में। 1946 में बम्बई पहुंचे। बम्बई जाने के बाद में फिल्म उन्होंने दर्द वाले के गाने लिखे। उसके बाद तो सिलसिला शुरू हुआ, वो तो हम सब जानते हैं। ये मैं ले जाऊं? हाँ, ये शकील साहब, 14वीं का चांद की रिकॉर्डिंग के समय, ये देखिए रफी साहब और ये शकील साहब।
हमें अपनी धरोहर पर अभिमान हो, हमें अपनी विरासत का सम्मान हो। हमारी धरोहर हमारा गौरव है और हमारी कला और संस्कृति की आधारशिला भी हमारी विरासत है। बदायूं की यह अनोखी सिर की कला भी इसी पथ पर अग्रसर है। गंगा सिर्फ एक धार्मिक नदी नहीं, सिर्फ एक जीवनदायी नदी नहीं, गंगा एक प्रेरणा का स्रोत है। न जाने कितने कलाकारों को गंगा से अपनी कला की प्रेरणा मिली। जैसे बदायूं में गंगा के तट पर उगने वाली इस सिर की घास ने जन्म दिया सिर की हस्त कला को। अच्छा ये बताइए कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, ये दिमाग में कैसे आया कि चलिए सिरकी की अपन पेंटिंग बनाएंगे? बचपन में हम मुहर्रम के दिनों में ताज़िए बनाते थे जी, तो उसमें पहाड़ वगैरह सीनरियाँ बनाई जाती हैं, और साथियों दोस्तों ने कहा कि भाई जरा इसको कैनवास पे उतार के देखो किसी बोर्ड पे, थोड़ा थोड़ा करके कभी कुछ बनाया कभी कुछ बनाया, लोगों ने उसको पसंद करा। 20-25 रुपये से बेचना शुरू करी थी जी। आज यहाँ पर 20-25 हज़ार तक की पेंटिंग मैंने यहाँ बेच दी बताइयों में। ये जो सिर की घास है जी, गंगा के तट पर उगती है जी जी, गांव-गांव के लोग काट के लाते हैं, हम उनसे खरीद लेते हैं। मैं देखता हूँ कि कितने व्यवसाय जुड़े हैं जी, कितने लोगों की जिंदगियाँ जुड़ी हैं। बहुत जुड़े हैं लोग गंगा से, बहुत। और ये क्या सिर्फ बदायूं में देखने को मिली? सिर्फ बदायूं, मुझे इस काम को करते हुए लगभग 37 साल हो गई। 37 सालों से ये सिरकी की पेंटिंग और पेशा बनाए हुए 30 साल से मेरा परिवार इसी से ही चल रहा है। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर पेंटिंग बनाई थी 44 जी, और ओबामा से लेके जी क्लिंटन को मैंने खुद प्रेजेंट करी थी। अच्छा जी, जब इंडिया आए थे। एक इसको बनाने में कितना वक्त लग जाता है? 20 दिन पे एक पोर्ट्रेट में लग जाती है, इतनी बड़ी। अच्छा, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा 3D भी दिख रहा है मुझे। जी जी जी, ये सिरकी का जो हम आला टेढ़ापन लगाते हैं रुख के हिसाब से, उससे ही अलग अलग जो इसका 3D आता है जी। और खूबसूरत बात ये है कि इसको देख के कोई कह सकता नहीं कि लकड़ियाँ लगी हैं। जी जी जी, ऐसा लगता है कि किसी ने कलम से या ब्रश से ये पेंटिंग बनाई है। इसमें कोई रंग इस्तेमाल करते हैं? ये हमारे अपने बनाए हुए हैं, मिट्टी के कलर हैं ये। अच्छा, और मिलेगी नहीं कहीं ऐसी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। सही, मुझसे ही शुरू हुआ है जी ये काम। तो जब शुरू किया होगा आपने जी, तब तो मतलब कभी नहीं बनी होगी, फिर आपने तराशा होगा अपनी कला को। बहुत जिद्दोजहद करी इस काम को करने में, फाइन वर्क एकदम तो होता नहीं जी, बिगड़ता भी है। हाँ। अभी 2-3 साल बिगड़ने में ही लग गए थे इसे जी, फिर भी कोशिश ये करी, लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आई, बिगड़ हुआ काम भी पसंद आया। कितनी कला छिपी है हमारे देश में, छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों के अंदर, बस उन्हें मौका नहीं मिलता। सरकार भी ये कहती है वोकल फॉर लोकल, तो मेरी गुजारिश है आपसे कि हम अपने स्थानीय कलाकारों को इज्जत दें, उनके काम को खरीदें और कोशिश करें कि उनके नाम हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत बहुत ख्याति प्राप्त करें। अंधेरे को हरा कर रोशनी की नजर पेश करती ये आरती। नकारात्मकता और अंधकार को दूर कर जो उजाला और प्रेम भरे वो ही आरती। ये शो मेरे लिए एक समुद्र मंथन है, हर एपिसोड में एक नया मंजर आंखों के सामने आता है। आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इनको ये ज़मीन जायदाद विरासत में उनके पुरखों से मिली। विरासत की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत होती है, बहुत भावुक होते हैं हम अपनी विरासत को लेकर, लेकिन तब तक जब तक वो विरासत सिर्फ और सिर्फ हमारी है। नहीं समझे? समझाता हूँ। हम जब भारत से बाहर विदेश में जाते हैं और जब लोग हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम कहाँ रहते हैं, तो हमारा जवाब होता है कि हम भारत के रहने वाले हैं। तो अगर भारत हमारी पहचान है, भारत हमारा घर है, तो क्या भारत के इतिहास से मिली विरासत हमारी नहीं? अगर है तो फिर क्यों हम अपने हरे भरे जंगलों को मिटा देते हैं, क्यों अपनी जीवन देने वाली नदियों को सुखा देते हैं, क्यों अपने बेशकीमती स्मारकों को खरोच खरोच कर बर्बाद कर देते हैं? मैं चलता हूँ, अगले एपिसोड में एक बार फिर आपसे मिलूँगा, लेकिन जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि हम अपने देश की विरासत को हमारी नहीं अपनी विरासत समझेंगे, ना उसे नष्ट करेंगे ना उसे नष्ट होने देंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।